Oh. Oops. प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं हूँ एक छोटे से टाउन में जिसका नाम है माइकिस फाउंटेन, और इस वक्त हम जा रहे हैं एक दूर दराज इलाके में, नॉर्दर्न केप प्रोविंस जो है साउथ अफ्रीका का, उसमें जिसका नाम है सदरलैंड। सदरलैंड जाएंगे और उसके बाद वहाँ से 60 किलोमीटर ऑफ रोड जाते हुए हमारा क़याम होगा एक छोटे से फार्म हाउस में, जहाँ पर फ़ोन और बिजली का नामो निशान नहीं है। आए मेरे साथ सफ़र जारी रखें और आगे एडवेंचर मुझे लगता है कि अच्छा खासा होगा। चलो चलते हैं। बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम और गुड इवनिंग। यार बस आपने जो कलर देखे हैं ना अभी पिंक रंग के आसमान के ऊपर, वाह, ये वेलकम किया है अभी करू रीजन ने। इसे बोलते हैं करू रीजन और ये सेमी डेजर्ट एरिया है यहाँ का, और यहाँ पे जो लोगों का ज़रिया माश है या तो वो टूरिज़म है, जिस तरह मैं इनके फार्म में आके रह रहा हूँ इस वक्त, और या ये लोग जो हैं भेड़े पालते हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है और जनाब पिंक रंग स्काई पे देख के स्वाद आ गया बच्चों, स्वाद आ गया। तो बहनों और भाइयों मेरे साथ रहें, ये सफ़र अभी सिर्फ शुरू हुआ है। So small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for sure. I'm gonna be myself or I could be someone else, no one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Look at the beautiful stars, I wanna drive a faster car. Assalamu alaikum wa subah khair. और हमारे सामने एक नीला आसमान और सुरख वादी है जिसका नाम है करू। बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है ये, दुनिया और कायनात की वसतें आपके सामने हैं। इससे अच्छी ट्रीट कोई और हो नहीं सकती। सुभान अल्लाह यार, इस वक्त अगर बादल नहीं हैं और आसमान के अंदर कोई शेप्स नहीं है तो क्या हुआ, इतनी दूर आए हैं, तस्वीर तो बनती है। मैं पैनोरामा लेने लगा हूँ। पैनोरामा में ये होगा कि मैं
मल्टीपल तस्वीरें खींचूँगा और कैमरे को एक जगह से रख के, इस तरह ये है इस वक्त, ठीक है, तस्वीर खींचूँगा, फिर मूव किया, तस्वीर खींची, 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 फिर मूव किया। तो मैं इसको इस तरह मूव करता जाऊंगा और तस्वीरें खींचता जाऊंगा। और जिस तरह आपके अंदर फ़ोन का फीचर होता है कि पैनोरामा लेके, तो फिर फ़ोन जो है वो इंटरनली उसको स्टिच करता है, यानी सी देता है तस्वीरों को। तो बेसिकली मैं फिर इसको लाइट रूम में, एडोबी लाइट रूम यूज़ करता हूँ मैं, तो उसको स्टिच करूँगा। और मैंने आगे इसके एक लगाया हुआ है शीशा, जो कि कैमरे की ग्लासेस है, ये है सॉफ्ट ND ग्रेजुएटेड फिल्टर। अच्छा जी, तो ये मंज़र आपको नज़र आ रहा है, जो मेरा कैमरा इस वक्त देख रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला कैमरा नहीं, ये वाला कैमरा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, इसके अब आगे जो है मैंने ग्रेजुएटेड फिल्टर लगाया हुआ है। इसको मैं नीचे करूँगा तो सीन गहरा होता जा रहा है, ऊपर करूँगा तो सीन हल्का होता जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर वाले हिस्से से लाइट ब्लॉक हो रही है, यहाँ पे बहुत हल्का है, ये थोड़ा सा नीचे और अब फिट हो गया, माहौल पक गया। अच्छा जी, तो आप सेटिंग्स मेरी हैं जनाब भाई जान, सेटिंग्स मेरी हैं F14 30th of a second ISO 64। प्लीज कीप अ हैंड ऑन यूसुफ। यूसुफ भाई इधर आओ, ये टेंट किसका है? आवर टेंट। अच्छा, तो इसमें आप आज क्या करेंगे? स्लीप दे। अच्छा, तो अगर रात को सर्दी हुई तो? We gonna go inside. चलो ठीक है। What is the nicest thing about this place? That there is no Wi-Fi. There is no Wi-Fi. Would you come here again? Definitely. Okay, inshallah. There you go. Oops. Pick it up for him. I'm not holding it with my fingers like that. Put it down. यार अब तो आपको घोड़ा भी दिखा दिया यार, तस्वीरें नहीं खींची तो क्या हुआ, घोड़ा देख लिया आपने, घोड़े ने सेब भी खा लिया, ठीक है जी। हूँ बराए करन दा वेला आ गया, तो राती अज बराए करनगे, तो फिर प्रोग्राम ये है कि साड़ा कल राती कोई तस्वीर चिक्कियां जानगियां, पंजाबी मुझे इंप्रूव करने की ज़रूरत है।
लाइनें मेरे चेहरे पे पड़ रही हैं। मेरी गाड़ी यहाँ से बहुत दूर है और जिस जगह पे मैंने सनसेट फोटोग्राफी करनी थी, तस्वीरें आप देख रहे हैं टेस्ट शॉट्स, वहाँ पे बादलों का नामो निशान नहीं है और बादल जो हैं वो वादी की तरफ हैं और सूरज जो है वो उस तरफ उधर ग्रूब हो रहा है। तो मैं अब हाइक करके आया हूँ इस वादी की तरफ जिधर आपको पीछे बादल भी नज़र आ रहे हैं और पीछे बहुत बड़ी वादी है, करू वादी, द करू। लेकिन आगे क्या मंजर है मुझे मालूम नहीं, आगे क्या तस्वीरें बनेंगी मुझे मालूम नहीं। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, छोड़ सारे चंबेले देख फूलों के मेले। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सूरज ग्रूप होने में अभी कुछ टाइम है, सूरज मेरे पीछे ग्रूप होगा। सॉरी, हवा के थपेड़े बड़े ही तेज़ हैं, शदीद हैं और मैं खुश नहीं हूँ अपनी कॉम्पोजिशन से, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरे सामने क्या मंज़र है और ये मंज़र नहायत ही खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही सूरज नीचे बहुत ठंड है, जैसे ही सूरज नीचे जाएगा तो ये वादी सारी जो है पहाड़ के साए तले होगी, इसलिए इतना सीन में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा सवाए आसमान के। तो दिखाता हूँ आपको क्या सूरत हाल है, सूरत हाल बहुत ही नाजुक है। तो ये मेरा कैमरा लगा हुआ है और कोशिश ये है कि इन बादलों को कैप्चर किया जाए, लेकिन क्योंकि सूरज जो है वो पीछे की तरफ गुरूब हो रहा है, साया जो है पहाड़ का वो बढ़ता चला जा रहा है और ये सब इलाका जो अभी सूरज की किरणें जिनके ऊपर पड़ रही हैं सूरज की रोशनी में है, ये थोड़ी देर के बाद सूरज की रोशनी में नहीं होगा, इसलिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। इतनी प्यारी जगह पे मैं हूँ और 3 दिनों से हूँ और अभी तक कोई खूबसूरत कॉम्पोजिशन नहीं ढूँढ सका, शायद क्रिएटिव ब्लॉक भी है। दूसरा ये कि रास्ते थोड़े लंबे हैं और टांग मेरी ठीक नहीं है। क्या किया जाए भाइयों और बहनों। खवातीन हजरात, सूरज जो है वो ग़ुरूब हो चुका नहीं है, अभी थोड़ा सा रहता है, लेकिन आसमान के ऊपर जो है बहुत ही खूबसूरत जो है रंग नमूदार होना शुरू हो गए हैं और मेरा जो दिल जो है वो ये कह रहा है कि
आपसे मैंने खुदा हाफिज़ तो किया ही नहीं, हर तरफ बादल हैं और इस सहरा में बारिश हो रही है। मैं ना नाराज़ हूँ और ना उदास हूँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश में बारिश की अशद ज़रूरत है इलाके को। इसका मतलब यह है कि हम अपने व्यू पॉइंट पर आज फोटोग्राफी के लिए नहीं जा सकेंगे और नहीं गए। सूरज कब का तलू हो चुका है। ये मेरा छोटा सा सफ़र था जिसमें मैं 3 दिन ऊपर नीचे भागा ताकि कोई अच्छी सी कंपोजिशन देख सकूं और अच्छे मौसम का इंतज़ार करता रहा। तो सफ़र के अंदर, जर्नी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप हर जगह रुककर सब चीज़ों को एंजॉय करें। और तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी किसी दिन, और किसी दिन तस्वीरें अच्छी आएंगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ, फैमिली को टाइम दें, सिर्फ फोटोग्राफी की टाइम फोटोग्राफी करें और हर चीज़ को एक नेमत समझें और उसको एंजॉय करें और उसका शुक्र अदा करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी तस्वीरें इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।